Of the cuff, on the spot, and पर करना ऐसे ऐसे जहाज भी सब सुना होगा जिसमें कि करके होते हैं। तो इसमें मैं ये नहीं बात करने वाला हूं बल्कि ये बात करने वाला हूँ कि स्पीचेस अकॉर्डिंग टू तो डिलीवरी जो हम डिलीवर करते हैं स्पीचेस को वो कितनी होती है सबसे पहले देखिए मैंने दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी है कि स्पीच वर्सेस प्रेजेंटेशन स्पीच और प्रेजेंटेशन में डिफरेंट क्या होता है नेक्स्ट स्पीच को कैसे दे अच्छे तरीके से दो वीडियोस हमारी ऑलरेडी आप जाके देख सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखिए हमारे पास पहली स्पीच है जिसको कहते हैं एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच वर्ड इज द एक्सटेम्पोरियस स्पीच एक्चुअली ये ऐसी एक स्पीच होती है जिसमें जो व्यक्ति होता है ना वेल प्रिपेयर्ड होता है वेल प्रिपेयर्ड क्लियर आपको राइट यू गेट टाइम आपको टाइम मिलता है फॉर प्रिपरेशन फॉर प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलता है वेल well प्रिपेयर्ड होते हैं फॉर एग्जांपल अगर क्या होता है कहीं कॉम्पटिशन होता है आप तो घर पे जाते हो अच्छे से प्रिपेयर करते हो एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग एक्चुअली आप जाके बोलते हो तो ये होता है एक्सट्रेम्पोर स्पीच इन विच वट हैपन्स आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो डैट्स एक्चुअली वेल प्रिपेयर्ड स्पीच होती है नेक्स्ट होती है मेमोराइज स्पीच आप थोड़ा कन्फ्यूज होंगे एक्सट्रेम्पोरियंस एंड मेमोराइज में देखिए मेमोराइज जो स्पीच होती है ये होती है इसमें क्रैम करा जाता है एंड मग अप करा जाता है क्लियर दिस वन एंड प्लीज यू नेवर स्पीक द मेमोराइज स्पीच इसमें क्या होता है जो चीज़ें होती इसमें वर्ड टू वर्ड बोला जाता है वर्ड फर वर्ड क्लियर यानी कि वर्ड फॉर वर्ड एक एक वर्ड करके आपको बोला एक भी वर्ड इधर उधर हुआ तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं आप स्पीच को भूल जाते हैं तो दैट इज एक्चुअली आर मेमराइज स्पीच बट जो ये वाली हमारी एक्सटेम्पोरियंस यू वेल प्रिपेयर्ड है वेल well मेमराइज नहीं है क्लियर इसमें इधर उधर हो जाता है चलेगा बट अच्छा खासा एक रहता है कॉन्टेंट इसमें वेल well प्रिपेयर रहता है दिस इज़ दिस इज एक्चुअली मगअप एंड क्रैम होती है नेक्स्ट हमारे पास होता है क्योंकि पर्जोसिव स्पीच वर्ड द पर्जेसिव स्पीच एग्जैक्टली इसमें क्या होता है सबसे पहले द पीपल विल थेल अबाउट द प्रॉब्लम एनी थिंग किसी चीज़ की प्रॉब्लम दिखाई जाती है एंड आफ्टर दैट उसी चीज का सोल्यूशन आपको दे दिया जाता है सॉल्यूशन नहीं होता सोल्यूशन होता है आपको सोल्यूशन दे दिया जाता है क्लियर जस्ट लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल दैट अगर मैं आपसे कहता हूँ कि गाइस अगर आप इंग्लिश बोलने में हिंचचाहते हैं अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है लोगों के सामने आप अच्छे खासे से नहीं बोल पा रहे हैं लोगों के सामने दो चार बातें नहीं कह पा रहे हैं तो ज्वाइन करिए हमारा को जीते ट्रेडेंट का कोर्स देखिए कोई प्रचार नहीं करो बस ऐसे बता रहा हूँ तो मैंने सबसे पहले प्रॉब्लम आपको बताया कि ये अगर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं आप ये बुक मेरी खरीद सकते हैं उसके बाद ये सोल्यूशन दे दिया मैंने तो इसको कहते हैं एक्चुअली प्रज्वेसिव स्पीच इसको क्या करते हैं राइट right? इसमें देखिए स्पीच इस देने का मतलब होता है किसी वन पॉइंट पर आके टिका देने के लिए एक ये, ये स्पीच दिया जाता है राइट right? ऐसे करके तो ये होता है पजुएसिव स्पीच होता है नेक्स्ट हमारे पास होता है जिसको कहते हैं एक्चुअली मैन स्पीच मैन स्पीच एक्चुअली विच इज़ कॉल स्क्रिप्टेड जो स्क्रिप्टेड होती है स्क्रिप्टेड होती है विच इज़ रिटन एग्जैक्टली जो लिखी होती है एक पेज पर लिखी होती है और आपने लीडर्स को देखा होगा राइट नेता लोग होते हैं एंड वो क्या करते हैं एक चिट टाइप की होती है पेपर टाइप का उसको ले लेते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं पार्लियामेंट में पा, इस तरीके से सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ ऐसा करके लोग करते हैं वर्ड क्लियर फिर वो अपनी एक वर्ड टू वर्ड क्या करें देख देख के बोल देते हैं वो होती है मैन स्क्रिप्ट स्पीच ये हमारी फर्स्ट की एक्सटेम्पोरनियस मेमोराइज एंड परजसी एंड मैन स्क्रिप्ट नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे मेरे पास नई कुछ है स्पीचे जो है कि प्रोग्रेसिव स्पीच मोटिवेशनल स्पीच इन्फॉर्मेटिव स्पीच एंड आर्गुमेंटेटिव स्पीच तो ये स्पीच क्या होती है चलिए देख लेते हैं इन प्रोग्रेसिव स्पीच क्या होता है इसमें डेवलपमेंट क्लियर डिवेलपमेंट की बात करी जाती है इसमें ग्रोथ की बात करी जाती है क्लियर एंड इसमें इसमें क्या करा जाता है इसमें फ्यूचराइजेशन की बात करी जाती है क्लियर फ्यूचराइ जेशन की बात करी जाती है इसमें विजुअलाइजेशन की बात करी जाती है फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे पास कोई कंपनी है मेरे मेरे पास कोई कंपनी है सभी इम्प्लॉइज मैं बुलाऊंगा मैं कहूँगा चलिए भाई आप लोग सब लोग कुछ अपना बताइए ओपिनियन लीजिए हम अपनी कंपनी को कैसे ग्रो करें तो वहाँ पर कुछ लोग वो ओपिनियन देंगे एज अ टाइप ऑफ स्पीच एक्जैक्टली हो जाएगा कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो जस्ट लाइक तो उसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव स्पीच तो डिवेलपमेंट ग्रोथ फ्यूचराइजेशन विजुअलाइजेशन समथिंग न्यू न्यू आइडिया एंड थाट्स ये सारी बातें करी जाती है प्रोग्रेसिव स्पीच में नेक्स्ट होता है एक्चुअली मोटिवेशनल स्पीच एक्चुअली इस मोटिवेशनल स्पीच में क्या होता है सबसे पहले तो देखिए वर्ड ये मोटिवेशनल से बनता है इसमें क्या करते हैं लोगों को मोटिवेट करते हैं कुछ कंटेंट कुछ डाटा कुछ डेटाज होते हैं राइट इसमें क्या होता है उसको लेकर कुछ स्टोरीज से हम लोगों को मोटिवेट करते हैं या हम इसको क्या करते हैं इंस्पायर क्या करते हैं इंस्पायर करते हैं लोगों को एक एक्सट्रीम राइट एक्स्ट्रीम लेवल की एक उनमें एनर्जी हम प्रोवाइड कर देते हैं क्लियर एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं इस इसमें हम लोग एंथज एंथ्यज्मे right? देते हैं या फिर गस्टू देते हैं पावर देते हैं स्किल देते हैं इसमें यानी टोटल कुछ कर गुजरने को हम करते हैं क्लियर ना सो दिस इज कॉल एक्चुअली मोटिवेशन स्पीच आई एम साइंग टू ऑल ऑफ यूदर द फर्स्ट वन एग्जैक्टली प्रोग्रेसिव सेकेंड मोटिवेशन थर्ड इज इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेटिव स्पीच क्या होती है एक्चुअली इन्फॉर्मेटिव स्पीच में क्या होता हम है हम नॉर्मली इंफॉर्मेशन देते हैं सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं फिर हम इसमें क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन क्लियर इसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं और इसमें रिसर्च करते हैं क्लियर रिसर्च करने के बाद हम लोगों को डेटा प्रोवाइड करते हैं दैट इज एक्चुअली इंफॉमेटिव स्पीच हो गई क्लियर जिसमें हम इंफॉर्मेशन मोस्टली देते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव स्पीच एक्चुअली दैट टाइप ऑफ स्पीच होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं मोस्टली इसमें आर्ग्यू करते हैं राइट right? बहस टाइप का करते हैं नॉर्मली जस्ट डिस्कस टाइप का करते हैं क्लियर इस तरीके से एक पॉइंट ऑफ सिंक पे हम क्या करते हैं उस पर जीतने के लिए हम कुछ करते हैं जैसे डिबेट होता है उसमें कुछ लोग उधर से बोलते हैं कुछ लोग उधर से हम तो खड़े होकर अपना कुछ हम बोलते हैं कि हम सही हम सही है वे कहेंगे कि हम सही हम सही हैं तो जस्ट लाइक दिस एग्जैक्टली ये क्या होगा आर्ग्यूमेंटेटिव स्पीच हो जाएगी तो ये रही हमारी फिफ्थ वन प्रोग्रेसिव मोटिवेशनल इंफॉर्मेटिव एंड आर्गुमेंटेटिव चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट वन इंस्ट्रक्टिव स्पीच एंड है स्पीच दिस वन यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इसको समझना बहुत जरूरी है एक्चुअली इंस्ट्रक्टिव स्पीच क्या होता है जिसमें क्या होता है इंस्ट्रक्शन दिया जाता है इंस्ट्रक्शन दिया जाता है राइट right? इसमें ऑर्डर दिया जाता है राइट right? क्या करना है क्या नहीं करना फॉर एक्जाम्पल अगर कोई हमारे देश पर अटैक कर दे आपने साथ बॉर्डर बॉर्डर मूवी देखी होगी उसमें जो जैक इस तरफ रहते हैं सुबह को जब क्या होता है हो, उनको आ, फ, मतलब उड़ाना रहता है जहाज को तो सुबह को सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं हमको ये करना वो करना ऐसे करना देखो जहाज भी ऊपर आ गई तो ये करना वो करना ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं क्लियर जस्ट लाइक दैट कि किसको क्या क्या करना है तो ये होती है हमारे इंस्ट्रक् इंस्ट्रक्टिव स्पीच एग्जैक्टली इम्प्रोमटिव स्पीच क्या होती है जिसको क्या करता है जिसको ऑफ जिसको कैसे बोला जाता है जिसको बोला जाता है ऑफ द कफ कैसे बोला जाता है ऑफ द कफ बोला जाता है जिसको बोला जाता है ऑन द स्पॉट ऑन द स्पॉट ऑन द स्पॉट बोला जाता है और जिसको स्पॉन्टेनिशियली स्पॉन्टेनिशली क्लियर जिसको स्पॉन्टेनिशली बोला जाता है जिसको एटवंस बोला जाता है क्लियर एटवंस आपने शायद कभी सुना होगा इस तरीके से बोलते हैं कि आ, दो शब्द बुलाना चाहूंगा दो शब्द कहने के लिए प्लीज दो शब्द कहिए तो दो शब्द बोलने वाली जो स्पीच रहती है उसको कहते हैं इंप्रोप्री स्पीच तो तुरंत जो स्पीच दे देते दे। हैं कर, खड़ा चलिए आप स्पीच दीजिए तो इसको कहेंगे इम्प्रोमटी स्पीच क्लियर इसको कैसे बोला जाता है इम्प्रोप्री स्पीच कैसे बोला जाता है इसको बोला जाता है ऑफ द कफ ऑन द स्पॉट एंड स्पॉन्टेनियशली एंड एटवंस तो ये रही है हमारी सारी दस टाइप की स्पीचेज एंड होप दैट आपको समझ में आएगी अगर आपको समझ में आया कि सब्सक्राइब कर जीते, जीते स्टैंड को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत